हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिटनेस रॉकर्स पे। दोस्तों, हिंदू पुशअप की जो सीरीज है उसकी आज पांचवा एपिसोड है और इसके अंदर मैं फिफ्थ और सिक्स्थ दंड जो है वो एक साथ बताऊंगा क्योंकि दोनों का नाम सेम है। उसके दो पार्ट है, वृश्चिक दंड, वृश्चिक दंड या स्कॉर्पियन, या आपने देखा होगा बिच्छू जो होता है, ठीक है, उसके नाम पर है। तो इसकी जो मूव्स हैं वो भी उसी जैसी हैं और इसके अंदर आपके कंधों पर, चेस्ट पर और ट्राइसेप पे पहले के जो दंड हैं उनसे ज्यादा असर पड़ता है और इसके अंदर आपकी कोर स्टेबिलिटी ज्यादा चाहिए। तो एक तो ये आपके चेस्ट को, ट्राइसेप को और शोल्डर्स को चौड़ा करने का काम आएगा और उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपका कितना कोर ज्यादा स्ट्रांग है और ये आपकी बैक की भी इम्तिहान होगी। तो चलिए देखते हैं करना कैसे है, जिससे कि आपको पता लग सके कि भाई वृश्चिक दंड आखिर है क्या। चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर सेम वही, इसकी भी जो पोजिशन रहेगी वो सेम ही है। इसके अंदर क्या करना है, आप याद होगा आपको जो आपका सिंपल पुशअप होता है उसके अंदर आप साधारण दंड जिसको बोलते हैं इस तरह से करते हैं। इसमें करेंगे एक पैर को ऊपर लेके जाएंगे एंड देन अप बैक अप एंड बैक। ये तो हो गया सिंपल, आप इसको शुरुआती टाइम पे इस तरीके से कर सकते हैं। बट करना किस तरीके से है, दूसरे पैर को भी ऊपर लेके जाना है Like this. फिर थोड़ा सा और जैसे बिल्कुल फ्लाई कर रहे हो, तो यहां आपका जो कोर है वो ज्यादा एंगेज होता है और आपका जब चेस्ट और शोल्डर नीचे जाता है तो आपके ट्राइसेप के ऊपर ज्यादा जोर पड़ता है। तो ये पहले वाली जो पुशअप्स हैं, जो हिंदू पुशअप्स हैं, उनसे ज्यादा इफेक्टिव है और ज्यादा इंटेंस है। अब हम बात करेंगे वृश्चिक दंड सेकंड की, वो किस तरह से की जाती है। उसमें कोर से ज्यादा आपकी जो लोअर बैक है ये उसका एज यूज करती है। कुछ कुछ सेम है, देखते हैं इसकी टेक्निक भी। सेम दंड की पोजीशन रहेगी, जब आप इसमें नीचे जाते हैं उससे पहले इसके अंदर एक पैर को उठाएंगे और क्रॉस लेके जाएंगे लाइक दिस, देन आप अब इसमें आप देख सकते हैं क्या हो क्या रहा है। बेसिकली आप अपनी कमर को ट्विस्ट कर रहे हैं और एक तरफ पूरा बोझ डाल रहे हैं, तो जो आइसोलेटेड मूवमेंट है वो इस दंड में आप ले सकते हैं। जैसे आप अगर क्रॉस करके लेफ्ट को राइट की तरफ लेके जाते हैं तो आपका जो राइट शोल्डर है और जो राइट चेस्ट है उस पर ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ेगी। देखिए दोबारा से, फर्स्ट हम लेके जाएंगे लेफ्ट लेग, लेफ्ट लेग लेके गए तो आपका राइट हैंड नीचे जाएगा एंड देन अप बैक, देन ये गया बैक बैक बैक। तो दोस्तों है ना मजेदार, आपने किया सिर्फ सिंपल आज तक पुशअप, अब इन कुछ हिंदू पुशअप्स को करके देखिए कुछ वैरायटी डाली अपनी वर्कआउट के अंदर। अभी हमारी हो गई है छह, बाकी और छह बची हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ज्यादा एडवांस होएंगी आगे आगे, तो समझ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपनी इंडियन ट्रेडिशन को, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। बने रहे मेरे साथ इस सीरीज में एंड लेट द फिटनेस रॉक।